बिकड़गंज थाने की इमारत में पुलिस के डायल 112 नंबर के लिए बने कंट्रोल रूम में मंगलवार को दोपहर करीब 1:30 बजे के दरमियान देश की बड़ी हस्तियों के बंगलों को उड़ाने की धमकी भरा फोन आने की सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। इसमें उद्योगपति मुकेश अम्बानी, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के नाम शामिल है। यह फोन शिवाजी नगर पालघर इलाके से किया गया था। 3 दिन पहले भी ऐसे ही कॉल किए जाने के एक मामले में मुंबई पुलिस ने अश्विन नामक एक युवक को हिरासत में लिया है। यह युवक नागपुर के डिगडो MIDC इलाके का मूल निवासी था, लेकिन कुछ सालों से अपने परिवार के साथ डहाणू में रहता है जो मुंबई से कुछ दूरी पर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवी मुंबई और नागपुर के लकड़गंज में डायल 112 का कंट्रोल रूम है जो एक दूसरे से कनेक्ट है। एक शख्स ने मंगलवार को दोपहर में मुंबई के पालघर इलाके में दो लड़कों को सड़क पर विवाद करते देखा। उनमें से एक विवाद के ही बीच उपरोक्त हस्तियों के बंगलों को बम से उड़ाने की बात कह रहा था। वह कुछ लोगों के मुंबई में आने की बात भी कह रहा था। इसके बाद उस शख्स ने नवी मुंबई के डायल 112 में फोन लगाया, लेकिन वहां का नंबर व्यस्त होने के कारण कॉल डाइवर्ट होकर नागपुर के लकड़गंज में डायल 112 के कंट्रोल रूम में आ गया। उस शख्स की बात सुनने के बाद लकड़गंज के डायल 112 के कर्मियों ने नवी मुंबई के डायल 112 को अलर्ट कर जानकारी दी। उसके बाद शिवाजी पालघर में इसके बारे में शिकायत पहुंच गई। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। उधर नामचीन हस्तियों की सुरक्षा व्यवस्था और तगड़ी कर दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले मुकेश अम्बानी के घर को बम से उड़ाने की धमकी 25 फरवरी 2021 के दिन मिली थी। तब अम्बानी के आवास एंटीलिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। एंटीलिया में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने एक संदिग्ध स्कॉर्पियो खड़ी देख तो मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। उस समय ATS की टीम भी मौके पर पहुंची थी। उस दौरान कार से जिलेटिन की कई छड़े बरामद की गई थी। वह छड़े नागपुर अमरावती रोड पर एक एक्सप्लोसिव कंपनी में बनी थी। वह कार के अंदर कई नंबर प्लेट्स भी थे। इसकी गहन छानबीन भी हुई थी। देखिए, डायल 112 ये कंट्रोल रूम नहीं है, ये डायल 112 कॉल सेंटर है। इसका प्राइमरी कॉल सेंटर नवी मुंबई में है और सेकेंडरी कॉल सेंटर लकड़गंज नागपुर में है, और इसमें राज्य के हर जगह से कॉल्स इस दोनों कॉल सेंटर्स पे आते रहते हैं। वहाँ पे जो कॉल टेकर्स होते हैं वो उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहाँ से कॉल आ रहा है ये भी पता चलता है, और कॉल किस पुलिस यूनिट से संबंधित है ये भी उनको जानकारी मिलती है। उसके आधार पे डायल 112 कॉल सेंटर उस कंट्रोल रूम को ये माहिती देती है। इसी प्रकार की एक आपत्तिजनक कॉल कल दोपहर में आई थी और एक आपत्तिजनक कॉल कल रात को भी आई थी। वो मुंबई से दोपहर वाला विषय मुंबई पुलिस से संबंधित था और शाम वाला विषय नवी मुंबई पुलिस से संबंधित था, इसलिए वो दोनों की जानकारी मुंबई पुलिस और नवी मुंबई पुलिस को दी गई थी। इसके बारे में चूंकि नागपुर पुलिस का कोई संबंध नहीं है, इसके बारे में हमारे तरफ से कोई भी टिप्पणी करना योग्य नहीं होगा। इस कॉल की पूरी जानकारी मुंबई पुलिस को दी गई थी और उनके तरफ से ज़रूर तहकीकात हो रही होगी, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने बताया कि कॉलर जो दोपहर की कॉल थी वो कॉलर भी मुंबई का था और जो घटना के बारे में वो जानकारी दे रहा था वो भी मुंबई पुलिस से संबंधित था, इसलिए वो जानकारी मुंबई पुलिस को बताई गई। नवी मुंबई में कोई भी कॉल जब राज्य में होता है तो वो 112 के नवी मुंबई के कॉल सेंटर पे या लकड़गंज नागपुर के लकड़गंज कॉल सेंटर पे लैंड होता है, और वहाँ से कॉल टेकर द्वारा जानकारी लेने के बाद संबंधित पुलिस यूनिट को वो चीज़ बताई जाती है। वो कॉल जो था वो मीडिया में ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन जैसे मैंने बताया चूंकि इसमें नागपुर पुलिस का कोई संबंध नहीं है, इस पे मेरे तरफ से टिप्पणी करना योग्य नहीं है। BCN न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज की रिपोर्ट।